हेलो दोस्तों, लीगल लॉजिक लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार हम डिस्कस कर रहे थे द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में। जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको चार सब्जेक्ट प्रोवाइड करूंगा। एक है कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है आईपीसी, तीसरा है सीआरपीसी और चौथा है एविडेंस के बारे में। तो फिर आज बात करते हैं सीआरपीसी के बारे में। मैं आपको आज कोई किताबी डेफिनेशन नहीं समझाने जा रहा हूँ या नहीं कहने जा रहा हूँ या फिर गूगल में क्या सारे डेफिनेशन है वो कहने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे डेफिनेशन है जो हमें खुद भी याद नहीं रहते। लेकिन मैं आपको उसको आसान तरीके से समझाऊंगा। जब आप कोई भी नाम पहली बार सुने, पहले उसको समझ जाइए। जब आप कोई समझ जाएंगे तो फिर आपको आसानी होगी चीज़ें समझने में और समझाने में भी। तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्या डेफिनेशन है खुद समझने के लिए। अगर कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज सीआरपीसी, तो फिर आप लड़खड़ाए नहीं, एक कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे कि सीआरपीसी क्या होता है। और जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीआरपीसी का जवाब खुद उसके नाम में ही छुपा है, जो उसका सारा राज है उसके अंदर खुद छुपा हुआ है, लेकिन हमने कभी उसको ढूंढा ही नहीं। अगर हम कभी एक बार भी कोशिश करते ना तो फिर इसका जवाब हमें आसानी से मिल जाता। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपका कोई सवाल रहता है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा, और साथ ही साथ अगर किसी भी और सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो फिर नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा वो आपके पास आसान तरीके से कैसे पहुंच सके, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सीआरपीसी उसका पूरा नेम क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो फिर पहले इसे डिवाइड कर लेते हैं, एक है क्रिमिनल, एक है प्रोसीजर और एक है कोड। पहले इसको बारीकी से समझते हैं। जब आप समझ जाएंगे इसको बारीकी से तो फिर आपको आसानी होगी किसी को कहने में, समझाने में या फिर कहीं पर डिस्क्राइब करके किसी एग्जाम में लिखने के लिए भी। तो फिर पहले जानते हैं क्रिमिनल क्या होता है। देखिए, हमारे इंडिया में दो तरह के लॉ होते हैं, एक होता है सिविल लॉ, दूसरा होता है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ वो होता है जिसमें हम राइट्स और रिमेडीज की बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जिसमें कुछ राइट्स होते हैं और रिमेडीज। रिमेडीज क्या होता है? अगर किसी का लॉस हो जाए, अगर कहीं पर लॉस होता है तो फिर उसको कुछ पैसे देकर या फिर किसी तरह से उसको जो लॉस होता है उसको भरपाई करते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं क्रिमिनल की, उसमें अक्यूज्ड और पनिशमेंट की बात किया जाता है जिसमें स्टेट इन्वॉल्व होता है। आपका एक गलत फहमी होगा शायद, हम जो कोई भी क्राइम करते हैं किसी के ऊपर नहीं करते, वो स्टेट के अगेंस्ट होता है। हमारा हर एक क्राइम स्टेट के अगेंस्ट ही होता है, इसलिए स्टेट हमको पनिश करता है हमारा क्राइम के लिए। तो फिर हमने पहले जान लिया कि क्रिमिनल क्या होता है। क्रिमिनल वो होता है जिसमें पनिशमेंट का जिक्र किया जाता है और वहां पे अक्यूज्ड होते हैं और जिसमें स्टेट आपको पनिशमेंट अवार्ड करता है। लेकिन सिविल में क्या होता है? राइट्स और रिमेडीज की बात किया जाता है। अब बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। चाहे वो सिविल लॉ हो या क्रिमिनल लॉ हो, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ को हम कहते हैं मौलिक विधि और प्रोसीजरल लॉ को हम कहते हैं प्रक्रिया विधि। पहले समझते हैं सब्सटेंटिव लॉ यानी कि मौलिक विधि क्या होता है। सब्सटेंटिव लॉ वो होता है जिसमें क्राइम क्या है डिफाइन किया गया है, उसके साथ साथ उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट है वो भी डिफाइन किया गया है। अगर आप कोई भी क्राइम करते हैं तो फिर उसके लिए क्या पनिशमेंट दिया जाएगा वो सब डिस्क्राइब किया गया है, उसको सब मेंशन किया गया है। अगर आप कहीं पर मर्डर करते हैं तो फिर उसके लिए भी पनिशमेंट है। अगर आप कहीं पर थेफ्ट करते हैं उसके लिए भी पनिशमेंट है, या फिर कहीं पर डाउरी डेथ होता है वहां पर भी पनिशमेंट है। वहां पर क्या क्या पनिशमेंट मिलते हैं और क्राइम क्या होता है डिफाइन होता है, उसको हम सब्सटेंटिव कहते हैं। अब बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। आप खुद समझिए, अगर कोई कुछ क्राइम करता है, समझ लो कहीं पर मैं मर्डर करता हूँ या फिर कहीं पर थेफ्ट करता हूँ, मैं तो जाकर खुद नहीं कहूंगा ना कि मैं एक क्राइम किया हूं तो फिर मुझे पनिशमेंट दो। मैं तो खुद तो जाकर नहीं कहूंगा ना, या फिर कोई भी तो नहीं कहेगा ना। उसके लिए एक प्रोसीजर होना चाहिए,
उसके लिए एक पुलिस होना चाहिए जिसे इन्वेस्टिगेशन करना होता है कि उसको पकड़ते हैं, और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट होता है जहां पर एक एक्यूज को फॉरवर्ड किया जाता है, उसमें ट्रायल होता है, बहुत सारी चीजें होते हैं। उसके लिए एक प्रक्रिया होना चाहिए, जो प्रोसीजर होना चाहिए। तो फिर सीआरपीसी प्रोसीजर की बात करता है। जब अब आखिर में बात करते हैं कोड की, आपने बहुत बार सुना होगा, एक्ट सुना होगा, ऑर्डिनेंस सुना होगा, कोड सुना होगा, आपने इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट सुना होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट सुना होगा, या कहीं पर इंडियन पेनल कोड सुना होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सुना होगा, और आपने ऑर्डिनेंस भी सुना होगा। तो पहले समझते हैं कि एक्ट क्या है, ऑर्डिनेंस क्या है, और कोड क्या है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं एक्ट क्या है। तो फिर एक्ट वो होता है जब कोई बिल पहले लोकसभा में आगत होते हैं, फिर वो राज्यसभा में अप्रूव होते हैं, और फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं, उसको अनुमोदन कर देते हैं, उसके बाद वो बन जाता है क्या, एक लॉ बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है, एनैक्टमेंट हो जाता है। कोड क्या है? कोड वो है जो पहले से मौजूद थे, उसको बाद में यूनाइटेड करके, गैदर करके एक लिखित आकार में रख दिया गया। जो बहुत सी जगह पर वेराइट वेराइट रूल थे, उसको गैदर कर दिया गया, और पहले भी पनिशमेंट होते थे, पहले भी क्राइम होते थे, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, इंडियन पेनल कोड, क्योंकि उसमें क्राइम डिफाइन किया गया है, उसमें पनिशमेंट डिफाइन किया गया है। पहले भी क्राइम होते थे, उसके लिए भी पनिशमेंट दिया जाता था, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। जो पहले थे उसको एक गैदर करके एक यूनिफॉर्म तरीके से उसको लिख दिया गया, इसलिए उसको हम कोड कहते हैं। एक्ट क्या होता है? जो न्यू लॉ फॉर्म होता है पार्लियामेंट के थ्रू, एक न्यू लॉ फॉर्म होता है। और ऑर्डिनेंस वो होता है जिसमें प्रेसिडेंट हो या चाहे गवर्नर हो, जो कोई सिचुएशन, कोई अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर उसमें जो लॉ फॉर्म करते हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। अगर उसके बाद अगर पार्लियामेंट उसको स्वीकृति देते हैं, अगर ग्रांट करते हैं, तो फिर वो एनैक्टमेंट और लॉ बनता है। तो फिर ये थी सीआरपीसी के बारे में। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।